सांग्रों सालो सालथंग त्रिपुरानी डीएम हाबारनक नि कॉन्फ्रेंस हॉल नगो ककथुम नायरक बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किरण गित्ते ककथुम पांडा खुलाय लेखा अ ककथुम पांडानि बिसिंतै चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किरण गित्ते सावै खनारिका बस्कांनि विधानसभा चंगबारीनि बागै चंगबारी बाटायना बागै जतय खरक थामरासि नमिनेशन ब्लाय या फार्मानि याकुलो नमिनेशन रिजेक्ट नुखा खरक बासिसा टाबुक फाइनल उंगई चंगबारी बाटायनाय खरक नुइरा बासी चुकु टाबुक चंगबारी बाटाय थानी अल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बदलनी नुची चार बीजेपी बदलनी खरक बासी बा सीपीआई बदलनी खरकसा सीपीआईएम बदलनी खरक ब्रई सिथाम इंडिया नेशनल कांग्रेस खरक सिथाम आईपीएफटी बदलनी खरक दक तिप्रा मथा बदलनी खरक ब्रैजि नई सीपीआईएमएल बदलनी खरकसा एआईएफबी बदलनी खरकसा टीपीपी बदलनी खरक नई टीएसपी बदलनी खरकसा आरएसपी बदलनी खरकसा अदर ऑर्गेनाइज्ड पार्टी खरकसिनी इंडिपेंडेंस बदल बाचिसिनी टाबुक जतन खबै नुई रा बासी चुकु बदल अ 2023 विधानसभा चंगबारी बाटायनाय हिनै सावै खुनारिका आमनि बिसिं लायथानाय किचा सालसुगां चंगबारी बाटायनाय डक्टर अतुल देवबर्मान किचासो थेमरां रगबाय चप्रप जागु हिनै कक कासावै फायमानि आमतै हाय मुंसा उंगिया हिनै सावै खुनारिका जत चंगबारी बाटायनाय नमिनेशन ब्लाय रिजाक लंनो बरंनि बागै टाइट सिकुरिटि रिजागै तंगौ टाइ बुथ केन्द्र रगब रिजागै तंनाय हिनै सावै खुनारिका आईएनसी के 3 है होता के तीन है रिजेक्ट किए गए तो जो कारण जिसके लिए 19 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए थे मेनली जो 10 प्रपोजल लगते हैं कोई भी नॉमिनेशन के लिए अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसके पास फॉर्म ए भी या फॉर्म बी नहीं है तो 10 प्रपोजल नहीं होने के कारण कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए थे कुछ कैंडिडेट्स ने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरा था कुछ कैंडिडेट्स के पास फॉर्म ए फॉर्म बी समय पर नहीं पहुंचा और इंडिपेंडेंट के लिए वो प्रपोजल भी नहीं दे पाए दो तीन केस में जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने मेन कैंडिडेट के साथ सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी दिया था तो इसके कारण जैसे मेन कैंडिडेट एक्सेप्ट होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट उनको फॉर्म में फॉर्म भी नहीं होने के कारण प्रपोजल नहीं होने का रिजेक्ट हो जाता है तो इन सभी कारणों के लिए 19 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे और ये डिसीजन कंप्लीटली टेकन बाय रिटर्निंग ऑफिसर तो इसमें डीएम का या सीओ का या किसी का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है ये पूरा अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर का है तो इसलिए हमने उस दिन आपसे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करता क्योंकि तो प्रोसेस उनकी चल रही और आज 3 बजे तक जो 291 कैंडिडेट जो वैलिडली नॉमिनेटेड थे जिनका नॉमिनेशन वैलिड था उनमें से 32 कैंडिडेट ने विड्रॉ किया है 32 तो अभी
त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन में 2023 में 259 कैंडिडेट्स आर इन कंटेस्ट, तो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है हमारे 259 60 विधानसभा क्षेत्र में 291 कैंडिडेट्स। लास्ट असेंबली इलेक्शन जब हुए थे 2018 में तो 297 थे, तो लास्ट टाइम से करीब 38 कैंडिडेट्स कम है। तो सबसे ज्यादा जिस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, बीजेपी के 55 कैंडिडेट्स हैं, 55, सीपीआईएम के 43, त्रिपुरा मोर्चा के 42, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 28, इंडियन नेशनल कांग्रेस 13, 13, आईपीएफटी 6, सीपीआई 1, सीपीआईएमएल 1, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1, टीपीपी 2, टीएसपी 1, आरएसपी 1 और अदर अनरिकग्नाइज्ड पार्टी 7 और इंडिपेंडेंट 58। तो मैं इसका आपको ब्रेकअप दे दूंगा, इसका कॉपी आपको जरूर मिलेगा। और जो 32 कैंडिडेटों ने जो आज विड्रॉ किया है वो भी लिस्ट हमारे पास है, वो भी लिस्ट हम आपसे शेयर करेंगे। इसको हम थोड़ा और एक बार चेक कर रहे हैं, जो हमें 3 बजे ही ये समय खत्म हुआ उसके बाद रिपोर्ट्स आना शुरू हो गए। तो अगर आपको अगर असेंबली वाइज अभी कितने कैंडिडेट्स है चाहिए तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैच करके आपको हम लोग 6:30-7 बजे तक दे देंगे। अभी हम आपको देंगे, उसमें एक दो करेक्शन आ गए तो, लेकिन हमने एक बार उसको चेक किया है। मैं फिर से बोलता हूँ, 291 कैंडिडेट्स थे स्क्रूटनी के बाद, 32 रिजेक्ट हो गए, विड्रॉ किए आज 32, तो 259। तो आज हमारा ये जैसे कैंडिडेट का लिस्ट फाइनल हो गया, हमने इनको कल ही सिंबल अलॉट किया था, जो कल का दिन हमारे हाथ में था तो हमने कल ही इनको सिंबल दिया था। और आज हमारे बलॉट पेपर प्रिंटिंग होने के लिए हमारे चले जाएंगे शाम को, और कल तक हमारे बलॉट पेपर प्रिंट हो जाएंगे। हमें बैलेट पेपर सभी आरोप को देंगे और अगले हफ्ते में पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो हमारे पोलिंग पर्सनल है, पुलिस पर्सनल है और जो इसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं, जो चुनाव के दिन वोट नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए हमने पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया है। तो वो 23 सब डिविजन में 8 तारीख से हम पोस्टल ब्लॉट शुरू करें, 8 तारीख से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ साथ जो 80 प्लस और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके भी जो घर घर जाके वोटिंग करना है, घर घर जाके वोटिंग लेना है, वो भी प्रक्रिया 8 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो 8 फरवरी से ही हमारे बैलेट पेपर के ऊपर जो वोट होता है वो शुरू हो जाएगा। आज हम जो सर्विस वोटर है, जो करीब 10,000 वोटर हमारे जो सर्विसमैन है, उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजेंगे, तो उसके लिए ई पोस्टल बैलेट होता है। जो हमारा बैलेट है जो ईवीएम मशीन में बैठता है उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, वो हम जनरेट करके उनको भेज देते हैं, तो हम वो उनको कल तक भेज देंगे तो उनको मिल जाएगा। फिर वहां पे वो वोट करके उसको वापस भेज देंगे, बाय पोस्ट भेज देंगे। तो पहले इसमें समय
मिलता नहीं था और काफी कम बैलॉट पेपर्स टाइम में आते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक बैलॉट पेपर हम लोग जनरेट करके भेज देते हैं तो उनको तुरंत मिल जाता है। वहां पे वो प्रिंट करके उनके जो ऑफिसर है उनका गैजेट ऑफिसर का वहां सर्टिफिकेशन करके फिर वोट करके वो सील करके भेज देते हैं, उसमें हम देखा 80-90% आ जाते हैं, तो वो भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के अभी जो कैंडिडेट्स का जो नॉमिनेशन स्क्रूटिनी सिंबल विड्रॉल ये प्रक्रिया पूरी हो गई। धन्यवाद। उनको सिंबल अलर्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो रजिस्टर्ड पार्टी है तो उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा, अगर वो कोई सिंबल चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगा, तो उस हिसाब से उनको सिंबल दिया गया है। लेकिन जैसे वो रजिस्टर पार्टी है तो उनके कैंडिडेट्स के सामने उनका नाम आएगा। सर, जोनल जो 10,323 में जो कई कई कैंडिडेट्स हमारे स्टेट में है तो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसको रेफर किया था, तो उनके पास जो कागज है वो कागज उन्हें इलेक्शन में लड़ने के लिए काफी है, वो कागज हमने आरओ को दिया है, दैट इज सफिशियंट टू अलाउ देम टू कंटेस्ट इलेक्शन, वो भी जानते हैं इसलिए तो उन्होंने फॉर्म भरा है। मैं आपको एक बार बोली देता हूँ। अच्छा सर, ये कॉपी देंगे तो थोड़ा लेट देंगे, लेकिन अभी मैं आपको जो मेरे पास है बोल देता हूँ। शिमला में 4 है, मोहनपुर में 4 है, बामोटिया में 6 है, बरजला में 2 है, 2 बंदो सबसे कम, खैरपुर में 4, अगरतला में 6, रामनगर में 4, टाउनपुरदोले में 6, बनमालीपुर में 5, मजलिसपुर में 4, मंडाई बाजार में 4, टकरजला में 4, प्रतापगढ़ में 4, बदरघाट में 4, कमला सागर में 4, विशालगढ़ में 4, गोड़ागढ़ी में 4, सुरेंद्रनगर में 4, चारला में 3, बक्सनगर में 5, लंचर में 5, सनोगुड़ा में 4, धनपुर में 6, रामचंद्र घाट में 5, खोए में 3, आसारामबरी में 5, कल्याणपुर प्रमोदनगर में 4, सिलियापुरा में 5, कृष्णपुर में 4, बागमा में 3, राधा किशोरपुर में 5, बातावरी में 4, आक्रमण छागरा में 4, रामनगर में 3, बुरनिया में 4, संतीर बाजार में 4, ऋषिमुख में 3, जोड़ेबरी में 4, मनु में 3, सबरूम में 2, तो 2 हो गए, बरजला में 2 और सबरूम में 2, हम्पी नगर में 5, अमरपुर में 6, करबुक में 4, रहमा वैली में 3, कमलपुर में 5, सुरमा में 6, अम्बासा में 6, करमचरा में 5, छाउनू में 6, बागेचरा में 4, पटिग्राम में 5, चांदीपुर में 4, कैलाश्वर में 4,
चुरंदर कुश्ती में चार, बागमासे में चार, रमनगर में छह, जोधाजलर में दो, जोराजगर में दो, पानीसागर में चार, पिचारथन में पांच, कंचनपुर में छह, तो सबसे कम दो है तीन जगह में, बरजला, सबरूम और जोराजगर में, और सबसे ज्यादा है छह, छह है बामुटिया में, छह छह अगरतला में, छह सोनपुरदोली में, छह रामपुर में, छह अमरपुर में, छह सुरमा में, छह अमरसा में, छह छबरू में, छह धर्मनगर में, छह कंचनपुर में, छह छह मिला है नोटिस दिया उनको, इंक्वायरी किया है, स्पोर्ट्स का स्टाफ है, कमीशन प्रोमो का कुछ रहता नहीं, मेरे कंप्लेंट भी था और हम न्यूज़पेपर से हमने ले लिया, नोटिस दिया उन्होंने, कुछ रिप्लाई दिया है, एक्शन होगा स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर से जो मिसेस है इलोरा उनको भी पार्टिसिपेट कर सकती है, उनके लिए कुछ हो रहा है, हमने रिपोर्ट मांगा डीएम से, सर ऐसे कितने केसेस थे जिसके रिपोर्ट मांगा गया था, एक तो आपने नोटिस कर दिया क्या बोला, हाँ, और बाकी ऐसे कितने केसेस होंगे, हमारे पास यही दो केसेस, दो केसेस, व्हाट इज द नेम नेम ऑफ द केसेस, आई डोंट नो नाउ, बट वी हैव गॉट फॉर द अरे तो हमारा हम लोग हर हफ्ते में इसको अपडेट करते हैं, जैसे फोर्सेस ग्राउंड पे है, जैसे कैंडिडेट अभी फिक्स हो गए, तो ये सब पॉइंट्स करके करीब 1128 वल्नरेबल है और 240 क्रिटिकल है, सिक्योरिटी इज देयर, सो वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज नाउ व्हाट एवर इज अवेलेबल विद अस to prevent, to manage, to proper, जहाँ जहाँ कैंडिडेट कैंपेन कर रहे हैं या जहाँ जहाँ बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग्स हैं या जहाँ वल्नरेबल पॉकेट्स हैं वहाँ पे पूरा फोर्स, स्टेट पुलिस भी है और TSR भी है, तो करीब 11,000 पुलिस और TSR भी ड्यूटी में तैनात है इन एडिशन टू द Who owns those cars also is a trader in cars. He takes the damaged cars and then repairs and sales back. So there was no complaint. There was. तो मैंने पहले बताया कि जो स्कूटी होता है वो आरओ का डिसीजन होता है, तो आरओ ने जो उनके पास तथ्य था तो उसके तथ्य के बेसिस पे उन्होंने रिप्लाई दिया है, उसमें दो बातें मैंने देखी, मुझे भी कॉपी मार्क की गई, उसमें बोला कि फॉर्म ए फॉर्म बी जो है उसकी जो कंडीशन है वो सभी कंडीशन फुलफिल होती है, और जब स्कूटी हो रही थी तब किसी ने वर्बल या रिटन ऑब्जेक्शन नहीं किया, अभी तक जो हमारे पास फिगर आई है जो 80 प्लस जो लोग है उनकी फिगर है 6263 लोग जो हमारे 80 प्लस या 100 प्लस एक ही है, एक ही कैटेगरी है 80 प्लस above 80, उसमें से 36,000 लोग राज्य में 36,841 36,841 लोग है 80 प्लस, उसमें से
15% लोगों ने चॉइस दिया है, वो दिया 6,263। दिव्यांग व्यक्ति है जो हमारे जो बेंचमार्क कैटेगरी होती है 40% एंड अबव डिसेबल्ड, उसमें 16,860 लोग एडल्ट जो 18 ऊपर है, इनकी संख्या है 16,860। उसमें से 1460 लोगों ने ऑप्शन दिया है कि वो घर में वोट करें, तो ये 1400 और वो 6200 के करीब हो जाता है 7,700 के करीब, 7,700 या कुछ और कुछ होंगे 8,000 के आसपास हम घर पे जाके वोट लेंगे। ये प्रक्रिया उन्होंने एक लेटर भी लिखा है इलेक्शन कमीशन को लेकर, तो आपके पास कोई रिपोर्ट या अपडेट है इस इंसिडेंट को लेकर? जो घटना हमने मीडिया में हमने पढ़ी हमने देखी और उनका मुझे लेटर भी मिला और उनसे बात भी हुई थी मेरी और SDPO से बात हुई थी, जो RO और SDPO का जो वर्जन है उसमें वो स्कूटनी के टाइम वहां पे आए थे और स्कूटनी के समय जो जो वापस जा रहे थे तो उनके पीछे कुछ लोगों ने घोषणाएं दी और उनके गाड़ी का जो ग्लास है उसके ऊपर ऐसा किसी ने आवाज किया, लेकिन ना गाड़ी का कोई डैमेज हुआ उनको कुछ हुआ। जब घटना हुई तो हमारे PSO मैंने लास्ट कॉन्फ्रेंस में आपसे बात की थी यहाँ पे, मैंने उसी दिन बोला था कि जैसे ही फॉर्म भरा है आपने 18 साल से कंपेयर कर रहे हैं, 18 साल में तो मतलब नॉमिनेशन के बाद सिक्योरिटी दी गई, हमने जैसे ही फॉर्म भरा जैसे आज 32 लोग हैं उनको भी सिक्योरिटी दी गई, विड्रॉ किया तो अभी हम विड्रॉ करेंगे आज, 19 जो बाद हुए थे स्कूटनी उनको भी सिक्योरिटी दी गई, जो उसकी स्कूटनी में बात हो गई तब हम वापस ले रहे हैं उनकी सिक्योरिटी, तो जो अतुल देव वर्मा जी है उनके साथ भी सिक्योरिटी थी हमारी, हमारे 3 PSO उनके साथ थे, उनका भी स्टेटमेंट हमने लिया है। ऐसे कोई घटना नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं, अगर ऐसी कोई घटना होगी तो हमने FIR हमने दर्ज किया होता और हमने कार्रवाई की होती, तो हमारे सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको हमने पूरी सिक्योरिटी दी है और हमने सभी कैंडिडेट्स की ट्रेड परसेप्शन असेसमेंट किया है, सबके पास जो है वो छोड़ के हमने सभी आर्म्स हमने डिपॉजिट कर लिए। तो अभी जो दो 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 घटनाएं घटी ये हमारे नाका पॉइंट पे घटी, मतलब पकड़े गए और भी नाका पॉइंट पे और भी क्या क्या पकड़ा जा रहा है, तो हम लोग पूरी तरीके से सतर्क है। जैसे 185 आर्म्स हमने पूरे स्टेट में जब्त किए हैं जो कि लाइसेंस आर्म्स, और जो 206 नाका पॉइंट है पूरे राज्य में और 206 नाका पॉइंट 24 घंटा है, इसमें हमारा CCTV कवरेज है, इसमें 3 अलग अलग टीम है और वो चेक कर रहे हैं, तो अगर कोई घटना हुई तो वही एक्शन होगा जो होना है। पुलिस करेगी जांच उसकी और उनको जो सर्विस ऑर्डर अगर बनाना है तो उसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हो नहीं पाई क्योंकि वो अभी रिसेंटली डिप्लॉय हुआ, दैट डिप्लॉयमेंट इज नॉट परमानेंट लाइक आर्मी, तो हमें वैसा डिक्लेरेशन करके फिर उनको उनका भी एक एप्लीकेशन लेना पड़ेगा अगर उनकी इच्छा है तो, ये थोड़ा टेक्निकल मैटर है बट अभी वो हमारे ऑर्डरी वोटर है सभी, मैंने सभी चेक किए और एक जगह पे नहीं अलग अलग जगह में है। आर्मी का क्या होता है, आर्मी एक परमानेंट उनका पोस्टिंग होता है और उनका एक रिकॉर्ड ऑफिस होता है, उस रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू पूरी कार्रवाई की जाती है, तो अगर इनका सबसे परमानेंट अगर कोई डिप्लॉयमेंट होगा और इस रिकॉर्ड ऑफिस से तैयार होंगे वो अप्लाई करेंगे तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, अभी तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया है और टेम्पररी डिप्लॉयमेंट है और दे आर फ्री टू कम एंड वोट, और हमने पहले भी देखा है कुछ अलग अलग चुनाव में बाई इलेक्शन में देखा है काफी लोग आके वोट किए। सर आप